तू माने या ना माने तू उनके बारे में सोचने लगी है, तुझे उनसे क्या? पर वो तो मुझसे नफरत ही करेंगे ना, क्योंकि मेरे भाई की वजह से उनकी बहन की जिंदगी खराब हो रही है। वो शिवीना को अपनी बहन नहीं अपनी बेटी मानते हैं, उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पर प्रिया, तूने भी तो राम का कितना साथ दिया ना, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो तूने उन्हें संभाला। बिजनेस डील की रात तू पैदल चल के मंदिर तक गई, जब उनकी बहन को उसकी सास ने ताने मारे परेशान किया तो तूने साथ दिया। प्रिया, राम तुझे परेशान करते हैं, राम मेरे बारे में तुझसे लड़ाई करते हैं, क्योंकि ये उनका अपनापन है। तुझे उन्होंने अपना परिवार मान लिया है, तभी तो मेरे प्यार के लिए तुझसे लड़ाई करते हैं, अपना हक समझते हैं वो तुझ पर। अरे तो मीरा माँ वाला हलवा है, मीरा माँ ने बनाया ना। आपको कैसे पता? आपने कब खाया उनके हाथ का हलवा? अरे कल ही मैं बेकरी गया था ना, उन्होंने हलवा लेके आई थी मेरे लिए। मुझे अपनी टेंशन का इलाज मिल गया, मीरा माँ का चेहरा देखता हूँ ना तो सारी टेंशन दूर हो जाती। रुकिए ना, मैंने कहा था बीच में मत पड़िए आंटी। लेकिन माँ, इस बात का क्या जो एक पल में उन्होंने आपको पराया बना दिया था आंटी बोलकर? ये उनका गुस्सा था, आ गया गुस्सा, ये तेरा गुस्सा है, उन्हें भी तो हक है ना अपना गुस्सा जताने का, तू भी तो बरसती है मुझ पर। उस दिन उनकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ, राम बिल्कुल अकेले हो गए थे, इसीलिए उनके मन में जो भी आया उन्होंने कह दिया। प्रिया, ये वही राम है जो मेरे घर पर मेरे हाथ से निवाला खाया करते। शादी की रात उन्होंने कहा कि आज तो मैं मीरा माँ के यहाँ रुकूंगा, कितने हक से उन्होंने बोला। देख बच्चे, तुझे ये सब दिखता हो या ना हो, मैं तो इस अपनेपन को भांप लेती हूँ बच्चे। हाँ, राम के लिए उनके भाई बहन उनके अपने सब कुछ हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये जिम्मेदारी सबसे ऊपर है, जिसके बारे में वो सबसे ज्यादा सोचते हैं। और तू भी तो उनका परिवार ही है ना, कहीं उन्हें ना लगे कि मेरा प्यार कम हो गया या बढ़ गया या मैं उन्हें उतना नहीं चाहता जितना पहले। डैड तो यही चाहेंगे ना कि मेरे परिवार का प्यार मेरे लिए कभी कम ना हो। जा प्रिया, अपने घर जा, आज राम के घर में तेरी पहली लोढ़ी है, अपने मन से सारे गिले शिकवे सारे दुख दर्द निकाल दे और राम के साथ जा और खुशियां मना। राम भी तो बिल्कुल तेरी तरह है, सबका ख्याल रखने वाले, लेकिन तन्हा, तू भी वैसी ही है। तुम दोनों सच्चे मायने में सच्चे हमसफर हो। जा बच्चे, राम का साथ दे, सिर्फ अपने पापा के बद्दुआओं को गलत साबित करने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए। हेलो प्रिया, सुनो वो वृंदा ने अपने घर पे बुलाया है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? नहीं नहीं, आप उल्टे रास्ते मत आइए, मैं आपको वहीं मिलती हूँ। बाय। जा प्रिया, आज लोहड़ी के दिन मेरी सारी दुआएं हैं मेरे राम के लिए और मेरी प्रिया के लिए। चल खुशियां मना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.